हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिज कैम हर बैकपैक। मैं हूं शताक्षी, कैमरा के पीछे है प्रखर। और इस कोरिया सीरीज़ में आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम आए हैं हेदोंग योंगुनसा टेंपल। योंगुनसा टेंपल पहुंचने के लिए आपको बुसान मेट्रो सबवे लाइन 2 लेनी है और होंदे स्टेशन पे उतरना है। वहाँ से एग्जिट 7 से निकल के बस नंबर 181 लेनी है, जो आपको योंगुनसा टेंपल बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देगी। योंगुनसा टेंपल बुसान का बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है और टेंपल की जो रोड है वो पूरी चेरी ब्लॉसम ट्रीज से भरी हुई है। आई कैन अश्योर यू कि अपनी लाइफ का बेस्ट चेरी ब्लॉसम आपको योंगुनसा टेंपल में देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप टेंपल की मेन एंट्रेंस के अंदर आएंगे, आपको एंट्रेंस पे ही 12 स्टोन जोडियक स्टैचूज देखने को मिलेंगे और ये चाइनीज जोडियक के 12 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे एक 8 स्टोरी टॉल पगोडा देखने के लिए मिलेगा। ये पगोडा सड़क पर सभी के लिए ट्रैफिक सुरक्षा की कामना करता है। पगोडा के जस्ट ऑपोजिट साइड आप एक ड्रैगन पिलर देख सकते हैं। ड्रैगन गुड लक का सिंबल होता है और ये पिलर टेंपल की एंट्रेंस पे ही खड़ा हुआ है। करीब 108 सीढ़ियां उतरने के बाद आप ब्रिज पे पहुंचेंगे, जो कि मेन टेंपल से कनेक्ट करता है, और यहां से चारों तरफ का बहुत ही खूबसूरत व्यू भी आपको मिलेगा। नंबर 108 बुद्धिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 108 नंबर मन के 108 भ्रम को दर्शाता है, जो किसी भी प्रैक्टिशनर को एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए खुद से दूर करने पड़ते हैं। ब्रिज के जस्ट नीचे आपको एक विशिंग पॉइंट दिखेगा। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आप ब्रिज के ऊपर से नीचे कॉइन फेंकें और टर्टल के ऊपर बने बेसिन में अगर वो कॉइन गिर जाता है तो आपकी जो विश है वो सच हो जाएगी। तो इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे आपको नीचे पॉइंट में कॉइन फेंकते हुए दिखेंगे। इन स्टेयर्स को फॉलो करके जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पे आपको गॉडेस ऑफ मर्सी का स्टैचू दिखेगा। गॉडेस ऑफ मर्सी को बोधिसत्व ऑफ मर्सी भी कहते हैं और यहां पे सभी लोग आपको प्रेयर करते हुए भी दिखेंगे। सिर्फ यही नहीं, यहां से ईस्ट सी के साथ आपको पूरे टेंपल का बहुत ही खूबसूरत टॉप व्यू देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे आप टेंपल को और एक्सप्लोर करेंगे, आपको एक बहुत बड़ा गोल्ड कलर का लाफिंग बुद्धा का स्टैचू देखने के लिए मिलेगा। इसके राइट साइड में आपको डंजियन मेन हॉल दिखेगा। ये 16th सेंचुरी में बना था और इतने सालों बाद भी इसकी ओरिजिनल फॉर्म को प्रिजर्व करके रखा गया है। प्रेयर हॉल की छत को बहुत ही सुंदर लैंटर्न्स और पेंटिंग से डेकोरेट किया गया है। सेंटर में आपको 3 गोल्डन स्टैचूज दिखेंगे, जो कि बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं। हेदोंग योंगुनसा टेंपल जो है वो बुसान के ईस्ट कोस्ट में है और क्योंकि ये एकदम क्लिफ पे बना है, इसलिए यहाँ से कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल सी व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल, हेदोंग योंगुनसा टेंपल इज़ अ मस्ट विजिट अगर आप बुसान में आ रहे हैं। अगर आप थोड़े भी स्पिरिचुअल हैं जस्ट लाइक अस, तो आपको यहाँ पे बहुत ही पीसफुल फीलिंग आएगी। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी में उतना इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, तब भी आपको यहाँ पे इसकी यूनिक लोकेशन और इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर के लिए ज़रूर विजिट करना चाहिए। पेंसिल टाइल्स पे लिखोगे और ये टाइल्स वहाँ रखी जाएंगी और टेंपल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एज अ रूफिंग यूज होंगे। सो यू हैव टू गिव योर वन विश। तो हम अपनी विश तो नहीं दिखा सकते, बट हमने अपनी विश लिख के और अब हम इसे यहाँ रख देंगे। सो आई होप कि आपको इस टेंपल का टूर पसंद आया होगा और आपको ये जान के बहुत अच्छा फील होगा कि बुद्धिज़्म जो हमारे कंट्री से शुरू हुआ वो दुनिया भर में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर आप बुसान में हैं, देन दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट डेस्टिनेशन एज आर रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ट्रैवलिंग।